नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम एक कहानी को चित्रों द्वारा बताना सीखेंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगी। आप सभी को ये कहानी बहुत ध्यान से सुननी होगी, ठीक है? क्योंकि कहानी पूरी होने पर हम एक खेल भी खेलेंगे। ठीक है मैडम। दो तोते एक जामुन के पेड़ पर रहते थे। उन्हें आम खाना बहुत पसंद था। थोड़ी दूर पर ही उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई दिया, पर उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस बंदर ने तोतों को आम नहीं खाने दिया। तभी दोनों तोतों को एक विचार आया और उन्होंने उस बंदर से कहा कि यदि वह उन्हें आम खाने देगा तो वह उसके लिए रोज स्वादिष्ट जामुन लेकर आएंगे। बंदर तुरंत मान गया और उन्हें आम खाने दिए। इस तरह बंदर और तोतों में दोस्ती हो गई। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? बहुत बढ़िया मैडम। चलो अब सभी को इस कहानी से जुड़े कुछ चित्र बनाने हैं। चित्र? ये चित्र कैसे बनाते हैं? रानी, क्या तुम मुझे बता सकती हो चित्र कैसे बनाए जाते हैं? देखो, चित्र बनाना बहुत आसान है। हमें कहानी के मुख्य किरदारों को लेकर चित्र बनाने हैं। जैसे इस कहानी में मुख्य किरदार बंदर और तोतों का है। और किरदारों ने क्या क्या किया? हाँ, मैं समझ गई। ये देखो रानी, मैंने पहला चित्र बना लिया है। इस चित्र में दो तोते हैं जो जामुन के पेड़ पर हैं। दो तोते एक जामुन के पेड़ पर रहते थे। मैंने दूसरा चित्र भी बना लिया। इस चित्र में वे दोनों एक आम के पेड़ के पास उड़ रहे हैं। मैंने चित्र के नीचे भी लिखा है, तोतों को एक आम का पेड़ दिखाई दिया। दोस्तों, क्या आप मेरी मदद बाकी के चित्र को पूरा करने में करेंगे? अपनी नोटबुक में ऐसे 5 डिब्बों को बनाकर कहानी को पूरा करें। कहानी का क्रम बताने के लिए चित्रों के नीचे उनका क्रम लिखना ना भूलें। आप भी इसी तरह कहानी से जुड़े बाकी के चित्र बनाएं और कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। इस वीडियो में हमने एक कहानी को चित्रों द्वारा बताना सीखा।